मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के चंदन नगर थाना क्षेत्र से हाल ही में एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें, मंगलवार तड़के एक युवक की हत्या हो गई। दरअसल चंदन नगर दसवीं गली आमवाला रोड पर सुबह 4 बजे इस हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। मृतक युवक का नाम टोनी था। मृतक पर अब तक कई आपराधिक प्रकरण थानों में दर्ज हैं। जिस युवक की हत्या की गई है वो लोहार पट्टी का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस इस मामले को लेकर जांच में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि मृतक की हत्या जुआ और पुरानी रंजिश के चलते की गई है। अभी मार्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जल्दी अपराधियों को पकड़ा जाएगा। जी सर, बताइए क्या घटनाक्रम हुआ? ये शेरपुर बाग में जो है दरगाह है, वहाँ पे गए थे ये। इसके ऊपर जो चार दिन होगा तो वहाँ पे इसके ऊपर चाकू वाकू भी खुले, कोई केरी एरी के चक्कर में मगजमारी हुई थी, तो वहाँ से ये आ गया है। और आज सुबह जो 5 बजे नट्टू मुसाजिद मुबारक और एक नाम हो रहे, क्या नाम है, नट्टू वो बच्चा, अच्छा मुबारक मुबारक, इन चार लोगों ने और दो अज्ञात है, छह लोग थे टोटल, छह टोटल है, छह लोगों ने, छह टोटल है। कितनी बजे की घटना है ये? सुबह 5 बजे, 4-5 बजे। किस कारण हुआ घटना? ये केरी के चक्कर में जो शेरपुर में झगड़ा हुआ था ना, उस चक्कर में हुआ। अच्छा, सुबह की घटना है। आपका नाम? मोहम्मद रईस, उसका भाई। अच्छा, और आपका नाम? ये दोस्त है, मैं उनका दोस्त हूँ, सूफी। और ये जिसने इनको ये फोटो है उसका बात कर, मैं निकलाता हूँ फोटो। ये फोटो है, ये फोटो है जिसने उसको मारा था। सर बताइए क्या घटनाक्रम हुआ? सर ये क्या है, 2-3 दिन पहले ये पाल पर ये क्या नाम था उसका, मुजाहिद करके कोई लड़का था, उसने उस पर चाकू खोले थे वहाँ पर पाल पर। और उसके बाद में कल रात में ये रात में 2-3 बजे इसको बलबली वहाँ से लेके गया और वहाँ पर 12वीं गली में जहाँ जुआ चल रहा था, इस चक्कर में इनके आपसी में कुछ विवाद हुआ और उसके बाद में ये मुजाहिद नट्टू मुबारक और अन्य और जो बच्चा और 4 जने और थे, मतलब टोटल 6 जने थे, ये इन 6 लोग का ही इन पे सहयोग है पूरा। और जिसको टोनी, जो इमरान उर्फ टोनी, वो हमारा मेरा दोस्त है वो, और इसके ऊपर हमला ये मुजाहिद और इन्होंने ही किया है सब ये। कितने बजे की है? 4 बजे की टाइम की है, सुबह फजर के टाइम की ये घटना है ये। और इसके फुटेज भी है जो पुलिस खंगाल रही है और इसको जो जहाँ से लेके गया वो भी फुटेज निकल रही है। जी सर, आपका मोहम्मद सूफी। आपका? मोहम्मद रईस, उसका भाई। आज सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि आमवाले रोड की जो 11वीं गली है उसमें एक अज्ञात व्यक्ति का शव रोड पर है। उस सूचना पर मौके पर पहुंचे तथा आसपास पूछताछ की गई, जिसमें पूछताछ और जो जश्नी साक्षी हैं वो प्राप्त हुए। उनसे उनकी रिपोर्ट पर से मौके पर पाया गया कि उक्त व्यक्ति की हत्या की गई है, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है 6 लोगों के विरुद्ध और सबका पोस्टमार्टम करवा कर प्रजन के सपोर्ट किया गया है। आरोपी गण की तलाश अभी की जा रही है। जिनके विरुद्ध अपराध पंजीकृत किया आपने, इनके ऊपर पूर्व में कुछ अपराध रहे हैं क्या सर? देखिए, इसमें सभी का रिकॉर्ड निकलवाया गया है, मृतक का भी और आरोपी पक्ष का भी। इसमें इसमें जो सूचनाकर्ता ने बताया कि इनका पूर्व से कुछ रंजिश थी और उस दिन भी पहले झगड़े के पहले भी 2-3 घंटे पहले इनका आपसी विवाद हुआ था और उसके बाद जब ये पुनः उस गली में पहुंचे तो उसी बात को लेकर विवाद हुआ और उसमें मारपीट हुई और उसमें इसको गंभीर चोट पैर में लगी जिससे इसकी मृत्यु हुई। जी, सुनील शर्मा, TI।